मैं थोड़े मना करन दे बावजूद डैडी जी नू दस बैठी ओ देसी हकीम लेके आया आओ जी हकीम साहब आओ बेटे चिंता नहीं करनी हकीम साहब सब ठीक कर देंगे हाँ मैं वो सब ठीक कर दूंगा पहला सब जनानियां नू बाहर कढ़ दियो इत्थे दस जनानियां खड़ियां लै दे के एक तां जनानी आ पर जेड़ी भी हैगी इहनू बाहर कढ़ो क्योंकि लाज बड़ा टेढ़ा ये तो देखिया नहीं जाना तुसी हौसला रखियो सब ठीक हो जूगा हाँ हुण मेरी गल सुनो मैनू तुसी ऐ दसो भी तुहाडे मरीज केड़ा बेटे दिल ना छड़ो हकीम साहब ने बड़िया बड़िया बीमारियां ठीक कीतियां टिल्लो साहब गोल्डी ने देसी इलाज नाल ठीक नहीं होना तू ठीक नहीं होना ठीक नहीं होना ओहो बुगे घबराने क्यों मन्ने लाज थोड़ा टेढ़ा पावे तो देखे नहीं जाना पर मैं करांगा गारंटी ना देखो पावे तो इतने पर लत्ता मिर्खा से वांगू भजनगिया फिर मैं उलामा नहीं देना के ओवर स्पीड करके लत्ता ना चलान कटिया गया ओ हकीम साहब की ट्रैफिक रूल जे समझाई जाने जेड़ा काम करना है करो हां आ देखो महसूस हो रहा नहीं नहीं हो रहा नहीं हुण ना बिल्कुल भी नहीं जमे नहीं होया ना ना हकीम साहब हाथ ता पायो जो बीमारी समझ आउंदी नहीं तो कोरा जवाब दे दो थोड़ी पेमेंट हो जूगी है ना हाँ मैं सब समझ गया एक तो टेंशन नहीं लेनी घबराना नहीं जय जी कच्चा होवे ता दंदा थले जीव दबा के बैठ जाना ते जदो महसूस होया ता बोल के दसना ठीक है महसूस होया ना ना हुण महसूस होया महसूस नहीं हो रहा फिर चीख क्यों मारी सटी लगी देख के चीख निकली अच्छा अपना गाह कनेडा नहीं जान दिंदा इहनू तो मैं इत्थे ठीक करूंगा हुण होया महसूस अच्छा सचियो खड़ा देनी है की मतलब वो मतलब लता टेंपरेरी खड़ियां ने जेड़े हिसाब ना सारा डांगा मार रहे ने परमानेंट खड़ा देनियां ने जलाद ना होवे ता ओ माइनो जलाद के ओ असे खानदानी हकीम हुन्ने हो मैं तो बंदा खड़ा करता है जो लत्ता ही है नहीं।